नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। एग्जाम में कई बार NSAID के नाम से भी पूछा है, तो ये बस ध्यान रखना है। NSAID का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग और एजेंट। कहीं कहीं NSAID भी लिखा हुआ रहता है। इसका दूसरा भी नाम है, वो है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक। और एक नाम नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी कहा जाता है। कहीं कहीं जो है ये जो है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये तीनों नाम से जाना जा सकता है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एनाल्जेसिक का मतलब बहुत कॉमन चीज़ है, दर्द को दूर करने वाला, दर्द निवारक दवाएं, सिंपल सामान्य भाषा में। और ये बहुत पॉपुलर है और सभी लोग जो है कभी कभी बिना सेल्फ मेडिकेशन द्वारा भी यहाँ दवा लेते हैं। किसी प्रकार का कोई दर्द हुआ तो बिना कोई डॉक्टर या चिकित्सक के सलाह लिए हुए भी ले लेते हैं, तो बहुत ही कॉमन ये है। अब इसमें जो एनाल्जेसिक सभी लोग जानते हैं, दर्द को दूर करने वाला, एंटीपायरेटिक कहलाता है, जो बॉडी के बढ़े हुए टेम्परेचर जिसको फीवर कहा जाता है उसको कम करके नॉर्मल करने वाला, रेज्ड फीवर को, बॉडी टेम्परेचर को एंटीपायरेटिक होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब है सूजन को जो कम करता है। तो इस चैप्टर के जो भी ड्रग्स हैं वो किसी किसी ड्रग में जो है तीनों प्रॉपर्टी होता है, किसी में कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा डोमिनेंट होता है, किसी में कोई प्रॉपर्टी कम होता है, किसी में नेग्लिजिबल होता है। तो इस तरह से ये जो तीनों जो है यानी तीनों प्रॉपर्टी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटी और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखने वाले होते हैं। अब इसका जो है नॉन स्टेरॉयडल एनाल्जेसिक जो है जिसको हम अभी बताएं नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक भी कहा जाता है, इसकी कुछ विशेषता। और जब हम ये कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल चाहे नॉन नार्कोटिक या नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, इसका मतलब दूसरा भी होगा तो दूसरा होगा ओपियोइड एनाल्जेसिक या नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो ये जो कैरेक्टर हम बता रहे हैं ये एक दूसरे का डिफरेंस भी है जो कि समझने के लिए, याद करने के लिए आवश्यक है। जैसे कि इसका जो है ये चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लेस पोटेंट होता है, जबकि नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो दूसरी ओर जो है दूसरा चैप्टर जो है एनाल्जेसिक का वो अधिक पोटेंट होगा। दूसरा जो है इसमें ड्राउजनेस और सीनियर डिप्रेशन एक्शन नहीं होता है। ये ड्राउजनेस भी एक प्रकार का सीनियर एक्शन है, यानी सीधे मोटा मोटी बात यह है कि इन ड्रग का CNS पर प्रभाव नहीं होता है, जबकि नार्कोटिक एनाल्जेसिक में CNS पर प्रभाव होता है और उसके द्वारा ही पेन को जो है वो कम करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण है कि इस चैप्टर के जो भी ड्रग हम आगे पढ़ेंगे वो एडिक्टिव प्रभाव से मुक्त होता है, ड्रग एडिक्शन नहीं होता है, जबकि नार्कोटिक एनाल्जेसिक में ड्रग एडिक्शन किसी न किसी में कुछ न कुछ होता ही है। और चौथा जो है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी के साथ साथ एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन या प्रॉपर्टी कह लीजिए वो भी रखते हैं। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया कि जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका। अब क्लासिफिकेशन पहला बहुत ही महत्वपूर्ण है, सैलिसाइलेट्स क्लास। इसमें पॉपुलर ड्रग एस्प्रिन जो कि कॉमन लोग भी जानते हैं, डेस्प्रिन बहुत सारे दर्द में यूज किया जाता है। तो एस्प्रिन जो है एसिटाइल सैलिसिलिक सोडा होता है, ये सभी लोग जानते हैं। मिथाइल सैलिसाइलेट हुआ, सोडियम सैलिसाइलेट हुआ, तो ये सब सैलिसाइलेट के अंतर्गत ये सब जो है ड्रग्स हैं। दूसरा क्लास जो है पारा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पारासीटामोल। और ये सभी सामान लोग भी जानते हैं कि पारासीटामोल जो है वो बॉडी के बढ़े हुए टेम्परेचर यानी जिसको फीवर कहते हैं वो फीवर में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ये आम आदमी भी जानते हैं। तीसरा क्लास है पायराजोलोन डेरिवेटिव, इसमें
फिनाइल बीटाजोन और ऑक्सीफिनाइल बीटाजोन इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए प्रोपिनोनिक एसिड है, इसमें ये भी बहुत पॉपुलर है, आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन एक्टिव साल्ट का नाम है और देखिए एक कंपनी द्वारा ब्रूफेन नाम से बनाते हुए टैबलेट तमाम सारे आते हैं, तो ये भी बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट है इंडोल एसेटिक एसिड, इसमें इंडोमिथासिन और सिलिंडक ये है एग्जाम्पल। नेक्स्ट है फिनाइल एसेटिक एसिड डेरिवेटिव, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, डाइक्लोफिनेक, जो कि डाइक्लोफिनेक सोडियम साल्ट के रूप में आता है, और एक्लोफिनेक, ये दोनों साल्ट मार्केट में काफ़ी अवेलेबल हैं, लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकैम्स, जिसमें पिरोक्सीकैम इसका एक्टिव ड्रग है। फिनामेट्स मेफेनेमिक एसिड ये ड्रग है, और अदर्स में निमोसलाइड हो गया, सेलिकॉक्सिप हुआ। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन जो है वो नौ क्लासिफिकेशन बताया गया। अब आगे ड्रग का डिस्क्रिप्शन करने से पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो एक सिस्टम होता है जो भी जो है NSAID वाले जो चैप्टर ये है जो हम पढ़ रहे हैं, तो इन सभी का किसी न किसी रूप में जो है देखिए इनहिबिट करते हैं COX, ये शॉर्ट में है COX। और COX क्या है? COX है साइक्लो ऑक्सीजनेज, एक इंजाइम होता है साइक्लो ऑक्सीजनेज इंजाइम। तो पूरा इसका है एराकिडोनिक एसिड साइक्लो ऑक्सीजनेज इंजाइम। तो ये जो है दो रूप में, दो फॉर्म में होता है, और वो कहा जाता है यहाँ पर देखिए फ्लो डायग्राम द्वारा समझने के और याद करने के आसानी होगा। एराकिडोनिक एसिड जो है ये COX-1 COX साइक्लो ऑक्सीजनेज इंजाइम जो बताए, ये दो फॉर्म में बताए, ये COX-1 और COX-2, और ये दोनों फॉर्म द्वारा जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण होता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है देखिए इसके केस में जो ये COX-1 के पाथवे से जो होगा तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइटोप्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करता है, और जो इसको इनहिबिट करेगा वो प्रोटेक्शन को नहीं होने देगा, तो GIT संबंधी प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो यही कारण है कि देखिए एस्पिरिन के सब में जो है जनरली ये होता है कि GIT इरिटेशन और अल्सर होने के चांसेस रहता है, इसलिए इसे मतलब कि खाली पेट नहीं लेना चाहिए, यही कारण होता है। और COX-2 के द्वारा जो है सिंथेसिस जो होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर के लिए। इन्फ्लामेशन सूजन पेन है और फीवर के लिए। तो जो इसके COX-2 के थ्रू जो है इनहिबिट करेगा, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, तो सूजन को भी कम करेगा, पेन को भी कम करेगा, फीवर को भी कम करेगा। और इसमें भी जो है COX-1 कुछ होते हैं सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव होते हैं, तो ये चीज़ें जो है आगे आपका आएगा। तो सिंपल ये थोड़ा सा ये फ्लो डायग्राम याद रखना है। अब हम शुरू करते हैं इंडिविजुअल सैलिसाइलेट जो बहुत पॉपुलर है, एस्प्रिन सभी लोग जानते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एस्प्रिन कहा जाता है। ये क्या करते हैं देखिए, दे इनहिबिट सैलिसाइलेट में सभी आ गए, एस्प्रिन भी, मिथाइल सैलिसिलेट भी, सोडियम सैलिसिलेट भी, सैलिसिलिक एसिड भी, ये सारे जो है मेडिकामेंट है, ड्रग है। तो दे इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोकते हैं और एनाल्जेसिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ हम तीनों प्रभाव देखेंगे, एनाल्जेसिक प्रभाव भी, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव भी। अभी दे ऑल्सो डिक्रीज द रेज्ड बॉडी टेम्परेचर, रेज्ड यहाँ देखिए महत्वपूर्ण है, सामान बॉडी टेम्परेचर को डाउन नहीं करेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ को ही तो फीवर कहा जाता है, तो उस फीवर में जो है टेम्परेचर डाउन करके नॉर्मल करेगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो वही बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोड्यूस एंटीपायरेटिक, तो सिंपल एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर, बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर को जो है कम करके नॉर्मल करना, ये सिंपल एंटीपायरेटिक एक्शन होता है। एनाल्जेसिक एक्शन बता दिए। अब तीसरा जो है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, वो कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन कम करने की प्रक्रिया क्या है,
इसकी क्रियाविधि क्या है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखना है। तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी कोई भी ड्रग सूजन को कम करेगा तो इस इन सब मैकेनिज्म द्वारा ही करता है। तो पहला महत्वपूर्ण है इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन एक्शन। प्रोस्टाग्लैंडिन ब्रेडिकाइनिन का सिंथेसिस होगा जिसकी वजह से सूजन होगा। तो पहला स्टेप यह है कि इन प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन भी कई प्रकार का होता है इसलिए एस लिखा हुआ है, प्रोस्टाग्लैंडिन कई टाइप का होता है और ब्रेडिकाइनिन इन दोनों को जो है एक्शन को या सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। दूसरा महत्वपूर्ण है कि रिडक्शन इन कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी परमिएबिलिटी में कमी उत्पन्न करके सूजन को कम करता है। तीसरा महत्वपूर्ण है अनकॉपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब यहां पर थोड़ा समझ, देखिए सभी का ये अनुभव होगा कि जहां सूजन होता है उस स्थान, वो जगह, वो टिश्यू जो में जो है एनर्जी यानि ज्यादा होता है, एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वहां पर थोड़ा सा हीट का फॉर्मेशन होता है। और कोई भी जहां एनर्जी होगा, हीट का फॉर्मेशन होगा, वो कॉपलिंग रिएक्शन द्वारा होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन द्वारा होता है एनर्जी। अब यहाँ है अनकॉपलिंग, मैंने इसका उल्टा, यानी सूजन को कम करना है। तो अगर सूजन को कम करना है तो सूजन को फैसिलेट करने के लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको यहाँ इनहिबिट करेंगे, यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को इनहिबिट करना, इसी को मेडिकल टर्म में अनकॉपलिंग कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। देखिए ये चीज, म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, जहाँ सूजन होता है, सूजन वाले स्थान टिश्यू जो है उसका ग्राउंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वहाँ का ग्राउंड मैटर होता है, ग्राउंड मटेरियल होता है। तो इसका निर्माण जितना कम होगा उतना ही सूजन में कमी होगी, सिंपल। तो ये सारे जो है वो सूजन कम करने के स्टेप्स हैं, कदम हैं। अब यहाँ ये एक्शन हम सैलिसाइलेट का तीनों देख लिए, एनालिसिक, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी। अब इसके अतिरिक्त इसके कुछ और भी एक्शन है जो कि यूज किया जाता है, सैलिसिलिक एसिड और मिथाइल सैलिसाइलेट जो है, ये दोनों एंटीसेप्टिक एक्शन भी रखते हैं, फंगीस्टैटिक एक्शन भी रखते हैं और केराटोलिटिक एक्शन भी रखते हैं, यानी तीनों एक्शन रखते हैं इसके साथ साथ। सैलिसाइलेट का थेरेप्यूटिक यूज क्या क्या होगा तो हम पहले पढ़ेंगे। ये जितने भी NSAID होते हैं वो माइल्ड और डल पेन के लिए होता है। तो इसमें जो है टूथेक हुआ, माने दांत के दर्द, टूथेक, शरीर सिर के दर्द, हेडेक हुआ, डिसमेनोरिया हुआ, पेनफुल मेंसेस, डिसमेनोरिया कहलाता है, न्यूरेलजिया, नर्व न्यूरोटिक पेन। तो ये यानी विभिन्न प्रकार के पेन से आराम पहुंचाएगा, ये हो गया। फीवर हम बताएंगे तो एंटीपायरेटिक एक्शन है तो फीवर में ही काम आएगा। रूमेटिक आर्थराइटिस, ज्वाइंट में जो सूजन हो जाता है उसमें दर्द से भी आराम होगा और सूजन में भी आराम होगा। फंगीस्टैटिक भी बताया, फंगस के ग्रोथ को रोकने वाला फंगीस्टैटिक हुआ। केराटोलिटिक एसिड एक्शन भी रखता है। और जो ये पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए एस्प्रिन का एक लाइफ सेविंग मेजर्स के रूप में यूज होता है। जब किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, MI मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, तो डॉक्टर कुछ दिन तक जो है एस्प्रिन का स्मॉल डोज देते हैं। तो वो इसलिए देते हैं कि भविष्य में क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो, थ्रोम्बस इसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में, क्लॉट फॉर्मेशन। तो ये सबसे बड़ा हार्ट अटैक का एक कारण होता है ना क्लॉट फॉर्मेशन, कोरोनरी आर्टरी में अगर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है, तो जिसके वजह से पेशेंट के मृत्यु तक हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं लाइफ सेविंग मेजर्स, सिंपल एस्प्रिन के स्मॉल डोज अगर डेली लिया जाएगा तो रिस्क जो है हार्ट अटैक के काफ़ी कम जाता है। तो इसका कारण यही है, तो ये थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को ये रोकता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इनका सैलिसाइलेट का एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, एलर्जी, एलर्जी स्किन रैश होता है, प्रुराइटिस होता है, अर्टिकेरिया, ब्रोंकल एस्थमा, एनाफाइलेक्टिक शॉक, नोसिया, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया और हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया, प्रोथ्रोम्बिन लेवल कम होना।
अब नेक्स्ट क्लास के चलते हैं, पायराजोलोन डेरिवेटिव है, फिनाइल बुटाजोन, ऑक्सीफिनाइल बुटाजोन इसका एग्जांपल है। अब ये दोनों है, ये क्या है, ये देखिए एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी तीनों एक्शन रखने वाले होते हैं। एक ही ध्यान देना है कि देखिए फिनाइल बुटाजोन जो है जब बॉडी में लिया जाता है तो बॉडी के अंदर ये देखिए दो एक्टिव फॉर्म बदल जाते हैं, मेटाबोलाइज हो गए, मेटाबोलाइज होके दो एक्टिव फॉर्म बनते हैं, ऑक्सीफिनाइल बुटाजोन और सल्फिन पायराजोन, ये दो एक्टिव फॉर्म है। और ये एक्टिव फॉर्म देखिए क्या एक इनका कार्य है, तो पहला जो है ऑक्सीफिनाइल बुटाजोन जो है एंटीरोमेटिक एजेंट है, और ये जो है सल्फिन पायराजोन जो है वो गॉट के सिम्टम से आराम पहुंचाता है। तो दोनों एक्टिव हो, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव हो गया, तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। एडवर्स इफेक्ट का इंसोम्निया, स्किन रेस, डायरिया, एप्लास्टिक एनेमिया, गिडनेस के मतलब चक्कर आना होता है, वोमिटिंग। अब नेक्स्ट है इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन जो है वो पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, और इसके साथ साथ ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक्शन भी रखता है। इसका यूज होगा एक्यूट अटैक ऑफ गाउट के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, एडवर्स इफेक्ट मेंटल कंफ्यूजन, गिडनेस, ब्लर्ड विजन, दृष्टि में धुंधलापन होना, हेडेक, डिप्रेशन। नेक्स्ट क्लास है फिनामेट, जिसमें मेफेनेमिक एसिड, ये जो है साल्ट जो मार्केट में आता है, तो ये जो है ये मॉडरेट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन रखने वाले होते हैं, और इनका जो एडवर्स इफेक्ट होता है अन्य NSAID की तरह ही होता है, तो विशेष अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। पिरोक्सिकेम ये जो है स्टोमक द्वारा रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, और खास करके पिरोक्सिकेम का प्रयोग जो है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में किया जाता है, यानी जो बहुत लंबे जैसे कि गठिया हुआ, एरिथ्राइटिस हुआ, तो काफ़ी क्रोनिक हो चुका है, कई साल पुराना, तो उन कंडीशन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉक्सिब जो है वो हम बताए थे अभी, जो शुरू में बताए थे फ्लो डायग्राम कॉक्स वन और कॉक्स टू, तो ये जो है देखिए सेलेक्टिव, बताया ना कुछ सेलेक्टिव होते हैं, कुछ नॉन सेलेक्टिव होते हैं, तो सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर है, और सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर जो है ये जो है 10 से 20 टाइम मोर कॉक्स टू जो है कॉक्स वन के तुलना में ज़्यादा पोटेंट होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये चीज़ें जो है ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन, ये भी बहुत पॉपुलर ड्रग है आइबुप्रोफेन, और ये सेफ, सुरक्षित भी है, बेटर टॉलरेटेड है, और अल्टरनेटिव टू एस्प्रिन, एस्प्रिन का विकल्प, किसी किसी में एस्प्रिन अगर ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा शो हो रहा है, तो उस केस में आइबुप्रोफेन को उसके विकल्प के रूप में दिया जा सकता है। ये पीजी के मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ये रोकेगा, स्वाभाविक है। और ये देखिए जो है आइबुप्रोफेन एक बहुत ही जो है देखिए ओरली, चाहे टैबलेट के रूप में रहता है, पिल्स के रूप में रहता है, ओरली दिया ही जाता है, इसके साथ आईवी रूट द्वारा भी दिया जा सकता है, इसका क्रीम भी आता है और इसका जेल भी आता है, तो अनेक डोजेज फॉर्म में ये उपलब्ध है। ये सारे विभिन्न प्रकार के डोजेज फॉर्म है, टैबलेट हुआ, ओरल पिल हुआ, तो ये आईवी रूट से यानी इंजेक्शन के रूप में, पेरेंटली भी दिया जाएगा क्रीम के रूप में, और जेल के रूप में भी होता है। ये जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, डिस्मेनोरिया के लिए, म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर के लिए, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, फ्रैक्चर और टूथ एक्सट्रैक्शन, इन सब से संबंधित जो दर्द है, सूजन है, उसको कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए इसका। नेक्स्ट है डाइक्लोफिनेक, देखिए ये डाइक्लो और एक्लोफिनेक ये भी काफ़ी पॉपुलर है, और ये क्या है देखिए, ये इट इज़ नॉन सेलेक्टिव, वो जो अभी बताए थे वो सेलेक्टिव था, ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, और इसमें जो है डाइक्लोफिनेक का जो है टीशू में जो है पेनिट्रेशन इसका बहुत आसानी से अच्छा होता है, तो ये एक अच्छा क्वालिटी है इसमें। एंटीप्लेटेड एक्शन इसका जो है वो शॉर्ट लास्टिंग होता है, कम टाइम के लिए होता है, इतना इफेक्टिव नहीं होता है, और मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज NSA, काफ़ी हम बताएं लोकप्रिय है, काफ़ी यूज करने वाली ये दवाएं हैं, और ख़ास करके मार्केट में इसका जो है अन्य के साथ जो कॉम्बिनेशन आता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है और काफ़ी लोकप्रिय भी है। डाइक्लोफिनेक का
ओमिप्राजोल के साथ कॉम्बिनेशन आता है, और एक तो ये बहुत पॉपुलर है आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफिनेक का ये कॉम्बिनेशन, तो ये इसलिए इन सब के साथ इधर कुछ मार्केट प्रिपरेशन, ताकि जो है आप अच्छी तरह से दिमाग में याद भी रहे, और आप अगर याद भी रखेंगे तो वो आप मेंशन भी कर सकते हैं मार्केट प्रिपरेशन करके लास्ट में, तो वो समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए ये चीज़ें मार्केट प्रिपरेशन यहाँ इसके सामने डाइक्लोफिनेक का देखिए जेल बताए थे ना, देखिए जेल के रूप में भी है, टैबलेट इंजेक्शन भी इसका आता है, तो वोवेरिन नाम से इंजेक्शन भी आता है, देखिए ब्रूफेन आइबुप्रोफेन, तो ये सारे चीज़ जो है। नेक्स्ट न्यूसलाइड, ये न्यू एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट ये है, और खास करके अगर किसी पेशेंट में एस्प्रिन के प्रति जो है एलर्जी उत्पन्न हो रहा है तो उसके केस में न्यूसलाइड दिया जा सकता है। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन को वो इनहिबिट कम करता है, वीक इनहिबिटर है, और क्लिनिकल यूज सिनसाइटिस, डेंटल सर्जर, बर्साइटिस, डिस्मेनोरिया, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस और फीवर, ये एडवर्स इफेक्ट, जीआईटी अपसेट हो सकता है, हेमेचूरिया, डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, और लास्ट जो ड्रग है ये भी काफ़ी सेफ, सुरक्षित और बहुत ज़्यादा पॉपुलर, पारासीटामोल, ये गुड और प्रॉम्प्टली एक्टिंग एंटीपायरेटिक, और खास करके इसका प्रयोग हम लोग सभी लोग जानते हैं, सभी का अनुभव है, एंटीपायरेटिक एक्शन यानी टेम्परेचर बढ़े हुए बड़ी टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है नेग्लिजिबल एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं के बराबर होता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इट इज पुअर इनहिबिटर ऑफ पीजी सिंथेसिस प्रोस्टाग्लैंडिन, पीजी मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को जो है ये इनहिबिट इसके द्वारा कम होता है, लेकिन ये जो है मोर एक्टिव ऑन कॉक्स इन द ब्रेन, ब्रेन में कॉक्स के लिए जो है ये ज़्यादा एक्टिव होता है कॉक्स को इनहिबिट करने के लिए। इसका क्लिनिकली यूज क्या क्या हो सकता है, हेडेक, माइग्रेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन, डिस्मेनोरिया, ड्रग फॉर चॉइस फॉर फीवर, देखिए फीवर के लिए सभी लोग ये जानते हैं, आम लोग भी जानते हैं कि फीवर में पारासीटामोल दिया जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेजर साइड इफेक्ट, लेसर साइड इफेक्ट एज कम्पेयर टू एस्पिरिन, एस्पिरिन की तुलना में स्वाभाविक है इसलिए सेफ कर रहे हैं, एस्पिरिन की तुलना में इसका साइड इफेक्ट उसके तुलना में कम है, और इट डज नॉट अफेक्ट क्लोटिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट फंक्शन, प्लेटलेट और क्लोटिंग फैक्शन में इसका प्रभाव नहीं होता है पैरासीटामोल का, जैसा कि उसमें बताया गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट योर NSAID, थैंक यू वेरी मच।